सर उसको विस्तार से रुके तो विस्तार से अरे वीडियो उधर था ना अभी भाई आपके सामने सर रुके रिबन मैंने ट्रेलर देखा है और बहुत सेंसिटिव और वार्म ट्रेलर लगा तो फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड हूँ काफ़ी रीजंस की वजह से बिकॉज कुछ यार दोस्त हैं इसमें जो बहुत क्लोज हैं रियल लाइफ में सुमित हैं कल्कि हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनका काम देखने के लिए एंड ऑल्सो जैसे कि मैंने कहा ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया था बहुत वार्म लगा था एंड एक अलग चार्म था ट्रेलर में तो वो देखने के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ जी तो काल की आपकी इतनी अच्छी फ्रेंड है तो जब उन्होंने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया वो तो आपका क्या रिएक्शन था एक्चुअली मेरे काफ़ी दोस्त जैसे राइटर भी इस फिल्म के जो डायलॉग राइटर हैं वो भी बहुत अच्छे प्ले हैं हम साथ में थिएटर किया करते थे एंड सुमित हैं जैसे कल्कि हैं तो मुझे इस फिल्म जब ये फ्लोर पे भी गई थी तब भी मुझे पता था कि इसकी शूटिंग चल रही है और वगैरह वगैरह तो तभी से मैं एक्साइटेड था कि ये फिल्म जब भी आएगी होपफुली जल्दी आए और हमें देखने का मौका मिले तो अब ये आ रही है तो बहुत एक्साइटेड है राजी हाँ जी राजी की फिल्म रैप हो चुकी है और बड़ी मेहनत से फिल्म बनी है और बहुत प्यार से फिल्म बनी है देखें अभी 11 मई को रिलीज होगी तो होपफुली ऑडियंस भी सपोर्ट करेगी फिल्म को कैसा रहा आलिया भट्ट के साथ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस एंड उनके साथ बहुत मज़ा आया फिल्म पे काम करने के लिए इवन मेघना बहुत वार्म डायरेक्टर हैं बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर हैं तो उनके साथ भी बहुत ही एक मज़ेदार एक्सपीरियंस था कुछ नया था मेरे लिए तो बहुत मज़ा आया अभी तो बहुत जल्दी है बस यही कि शूट हमने काफ़ी बॉम्बे में भी की है पटियाला में और कश्मीर में जाके किया है तो मज़ा आया था कुछ लोकेशंस मतलब काफ़ी एक्साइटिंग होते हैं शूट करने के लिए कश्मीर मेरा पहली दफ़ा था इस फिल्म के दौरान मुझे जाने का मौका मिला देखने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा मज़ा आया कश्मीर की वादियों में हमने ढेर सारे पिक्चर्स देखी इंस्टाग्राम कैसा रहता है इस तरह के लोकेशन जब आपको स्पेशली कश्मीर जैसा लोकेशन जब आपको मिले नहीं बहुत अच्छा रहता है वहाँ के लोग बड़े वार्म थे एंड इस समय जो हम जब गए थे तो मौसम भी बहुत सपोर्टिव था बिकॉज ठंड थी पर धूप निकलती थी तो बहुत मज़ा आया और काफ़ी अच्छी शूट हुई मतलब जैसे प्लान था वो प्लानिंग के बिल्कुल अकॉर्डिंगली गया एंड क्योंकि आपने जैसे कहा कि वो वादियाँ और ये सब माहौल इतना अच्छा होता है हवा सब कुछ इतनी प्यारी होती है तो मूड भी अच्छा रहता है शूटिंग के दौरान ऐसा नहीं कि मतलब ट्रैफिक जैम है धूप लगी हुई है ये जल्दी करो वो नहीं बहुत प्यार से अच्छे से शूटिंग हुई थैंक यू सो मच थैंक यू चलिए वेल आई एम एक्सपेक्टिंग टू सी अ फन फिल्म मैं दोनों सुमित और कल्कि को अच्छी तरह जानता हूँ और दोनों के साथ काम किया हूँ तो आई एम रियली लुकिंग फॉर दैट बोथ वंडरफुल बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं एंड आई एम जस्ट रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर केमिस्ट्री एंड एंड देयर परफॉर्मेंसेज तो आई एम होपिंग टू वॉच अ ग्रेट फिल्म एक्चुअली सुमित इन्वाइटेड मी क्योंकि वी रिसेंटली वर्कड ऑन अ वेब सीरीज टुगेदर कॉल्ड ट्रिपलिंग तो वहाँ पे मुलाकात हुई थी मगर मैं उनको कई सालों से भी जानता हूँ उस थिएटर से तो ही आस्क्ड मी टू कम एंड वॉच इट बिकॉज ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म एज वेल सो लेट्स सी हाउ इट गोज अब काफ़ी सारी फिल्म आने वाली हैं हम दोनों होंगे कामयाब काला कांडी होटल मिलन और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं अभी पाइपलाइन में तो देयर इज लॉट्स ऑफ स्टफ इन द पाइपलाइन थैंक यू थैंक यू जान दो बात क्या करो
चले आगे आगे आप लोग जाओ। अरे रुको रुको। अरे हाँ बाबा थैंक यू। थैंक यू सो मच। हमने देखा है कि ढेर हमें ट्रेलर से हमने देखा कि ढेर सारे अच्छा मैसेज है। आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या किरदार करते हुए आप देख सकते हैं। जी बहुत अच्छा रहा शूट करते समय। और इसमें मेरा किरदार का नाम है करण और वो बहुत ही सहज दिखने वाला जिसको कह सकते हैं कि एक बहुत ही सॉर्टेड इंसान है जैसा कि हम सबको लगता है हम हैं। और फिर जैसे जैसे फिल्म में मुश्किलें बढ़ती है तो उसकी जो समझदारी है वो आपको हिलती डुलती नज़र आती है। उसका जो क्या कह सकते हैं कंपोजर है वो हिलता नज़र आता है। कल की साथ में कैसा रहा एक्सपीरियंस पहली बार आप? जी जी बहुत अच्छा रहा अनुभव। मैं उनको पहले से जानता हूँ बहुत पर हमने काम पहली बार किया साथ में और बहुत अच्छा रहा। ऐसा कभी लगा नहीं कि हम पहली बार काम कर रहे हैं उनके साथ। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो और जो भी काम करती हैं बहुत इन्वॉल्व होके डूब के करती हैं काम तो और मज़ा आता है वैसा काम करने में ऐसे लोगों के साथ। इन फ्यूचर किस तरह की फिल्में करना चाहेंगे आप इसके बाद किस तरह से किन किन एक्टर से इंस्पायर्ड हैं किन 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 की ज़्यादा फिल्में देखते हैं बहुत बड़े फैन हैं आप? मैं सभी की देखता हूँ फिल्में असल में और वही फिल्में करना चाहूँगा जो जेन्युइनली गट से लगे कि हाँ ये कहानी है ये इसका हिस्सा मुझे बनना चाहिए। उस किस्म की फिल्में करना पसंद करता हूँ। ये भी वही कहानी थी मुझे लगा सुन के कि हाँ ये वो कहानी है जिसका हिस्सा मुझे बनना चाहिए। ओके सो आफ्टर योर ट्रेलर वाज लॉन्च एनी बॉलीवुड सीरीज हैव कॉम्प्लीमेंटेड यू अबाउट योर वर्क एंड ऑल? या आई थिंक अ फ्यू ऑफ देम हैव आयुष्मान कॉम्प्लीमेंटेड एंड हु एल्स आई मेट करीना ऑन द सेट शी कॉम्प्लीमेंटेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर देयर इन बॉलीवुड विकी कॉम्प्लीमेंटेड। ओके सो एनी डिफरेंट रोल्स यू वुड लाइक टू डू इन फ्यूचर? ऑल काइंड्स ऑफ रोल्स ऑल काइंड्स। Thank you so much. Thank you. अच्छा ऐसा है पहले हमें कुछ नहीं रहा हाँ हाँ बताइए कैसा बहुत ही प्रॉमिसिंग है और दो बहुत बेहतरीन एक्टर सुमित व्यास और कल्कि मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं। इन दोनों के साथ मैंने थिएटर किया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म देखने के लिए एंड आई थिंक इट्स गोना बी वंडरफुल टू सी द परफॉर्मेंस। जी हाँ विद्या बालन अद्भुत हैं उनके साथ काम करना एक्सपीरियंस है और एक तरह से ड्रीम कम ट्रू है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड होपफुल कि सबको फिल्म पसंद आएगी। हमने देखा गाने में हमने इतना गाने में देखा आप एक अच्छे हस्बैंड का किरदार कर रहे हैं आप काफी जिस तरह से आप उनके साथ में एंजॉय कर रहे हैं जिस तरह से आप तो आप जब आपको बताया गया कि हस्बैंड बनना आपका विद्या बालन क्या कुछ फीलिंग किया? नहीं एक्चुअली स्क्रिप्ट बहुत कमाल है और कैरेक्टर बहुत कमाल है। जितना विद्या बालन के साथ काम करने की आपको उत्सुकता है एक्साइटमेंट है उतना एक्साइटमेंट मतलब इट्स शी इज़ वन ऑफ द वंडरफुल एक्टर्स वी हैव और उनके साथ एक्टिंग मतलब हस्बैंड या कुछ भी मैं तो पासिंग शॉट भी करने को तैयार था यार। जैसा कि हम लोग देखा मैरिड लाइफ सोलू में भी दिखाई है। मैं तो ये फिल्म देख के देखूंगा। मैंने एक फिल्म तो की है दूसरा फिल्म देखने जा रहा हूँ तो आई होप ये ट्रेंड बन जाए और क्या मैरिड लाइफ की हमारे को काफ़ी लव स्टोरी चाहिए। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिस तरह से ये फिल्म का ट्रेलर है लोग सेंटर क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कम फीमेल डायरेक्टर हैं और आप बताइए कि कैसा रहा और एक्सपीरियंस कल की
एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा रहा. थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो होती है एक नॉर्मल फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में, वही प्रॉब्लम्स हुई. अदरवाइज इट वॉज वेरी मच ए जर्नी फॉर मी एज वेल, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म एंड आई वॉज वेरी क्लियर वॉट आई हैव टू डू एंड हाउ आई हैव टू डू. एंड मोर ओवर आई हैड गुड एक्टर्स एंड वी हैड डन वर्कशॉप फॉर ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन ए मंथ. तो कुछ खास परेशानियाँ नहीं आई. शूटिंग के टाइम पे बच्चे काफ़ी थे हमारी फिल्म में, तो बच्चों को लेके थोड़ा हैंडल करना वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट, बट या दैट वॉज ऑल्सो मैनेजेबल. नो इट वॉजन टफ बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, सो इट वॉजन दैट टफ. एंड आई वॉट आई डिड इज आई बेसिकली आई पुट माई विजन इन टू देयर हेड, सो वी वेयर pretty much on the same page. So everybody, right from my DOP to the sound recordist to my actors, we were all on the same page. So there was no confusion on the set. There was nothing as such where we had to basically contradict each other. जब आपके ये स्क्रिप्ट आपके पास आई थी, मतलब आपके दिमाग में आई थी, तो आपने क्या पहले से सोच के रखा था कि यही कैरेक्टर के लिए लेने हैं मुझे? Pretty much, like I when I was doing the script in the after the first draft was over, I knew that for Sahana's character, which is the protagonist in the film, I knew that I am going to cast Kalki. But for Karan's character, it just happened that I got a chance to meet Sumit Vyas, and when I met him, I was like, yes, he's the guy who could play just my character very well. So yeah, thank you so much. एक मिनट चलो. अरे जब वो आए उनसे बातें करें तब सोफे पे मैं सोऊंगा, तू भी सोएगा. अरे रुक जाओ, वीडियो के अंदर अच्छा ठीक है विजुअल. ये एक्टर है, क्या बात है, कौन सा बताता हूँ, याद नहीं आ रहा. चलो आ जाओ. बाइट्स, क्या बाइट्स है? ओके बाबा बहुत नीचे रखना है थोड़ा सर, थोड़ा सीट लो. ओके गुलशन जी, ट्रेलर चलो मेरे को सबसे जानना चाहिए. बैठा बैठा आप थोड़ा उस तरफ जाइए. हाय ट्रेलर, हाँ ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐसा लग रहा है कि ट्रेलर देख के कि एक बहुत ही इमोशनल कहानी है, लेकिन कुछ हंसी मजाक भी है, लेकिन ये कुछ इमोशनल मामला भी है इसमें, तो ऐसा मालूम पड़ता है. ट्रेलर देख के मुझे एक और बात ये समझ में आता है कि एक बहुत अच्छी फिल्म होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं ट्रेलर देख के. जी आपकी फ्रेंड है कल की और जी है, जी क्या सुमित न्यू कमर बिल्कुल नहीं है, बहुत पुराना खिलाड़ी है, बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है, थिएटर का आर्टिस्ट है, उनको काफ़ी टाइम से मैं जानता हूँ, वो हमसे भी पहले यहाँ पे आ चुके हैं थिएटर पे, बहुत थिएटर वाले बहुत सुमित व्यास को जानते हैं, लेकिन आजकल 2-3 साल से हम उनका वो जो परमानेंट रूममेट जब से हिट हुआ है, बाकी सब लोग जान गए कि सुमित व्यास क्या चीज़ है. तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं दोनों, और कल्कि के साथ तो मैंने मतलब मेरा आधा करियर तो कल्कि के साथ ही बीता हुआ है. सो एक्सपेक्टेशन ये है कि उन्होंने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और ढांसू परफॉर्मेंस दिया होगा इसमें, और उनकी पेयरिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आई थिंक दोनों अच्छे लगते हैं साथ में. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानना चाहेंगे अगर आप? अपकमिंग कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे खाली मैं न्यू सर्जरी करा के मैं घर पर बैठा हूँ, अभी ठीक नहीं हो पा रहा, छुट्टी पर हूँ फिलहाल. कुछ एक्शन अंदाज में देखेंगे, इतना ही बताऊंगा, जिसकी तैयारी चल रही है आई थिंक अगले साल ही हो पाएगी वो, बहुत तैयारी करनी पड़ रही है, लेकिन कुछ अलग और नया और चैलेंजिंग कर रहा हूं मैं एक्शन अंदाज. थैंक यू सो मच, बाय बाय. थैंक यू. अरे भाई हो गया ना भाई, क्या नाम हो गया मैं सर, एक मिनट सर, एक मिनट सबको नहीं मिला.
एक महीने से चलो रोल कल किसी आप कितने भी दोस्त यहाँ पर आए सभी को टेलर बहुत ही पसंद आ रहा है और सभी को इसके लिए काफ़ी उम्मीद है. आप बताइए आप कितनी एक्साइटेड हो क्योंकि हम जल्दी हाँ एक्साइटेड हूँ नर्वस भी हूँ क्योंकि ये मेरे बहुत खास दोस्त है मेरे सबसे ट्रू फ्रेंड्स है जो मुझे असली रिपोर्ट देंगे जो ऑनेस्टली मुझे बताएंगे क्या लगा फिल्म के बारे में. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर रिस्पॉन्सेज और क्या बताऊँ या गुड गुड इट्स हैपनिंग. मेरा कैरेक्टर का नाम है सहाना. वो एक मॉडर्न डे लड़की है कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रही है और उसका हस्बैंड है करण एंड ही इज़ आल्सो वर्किंग और दे हैव अ बेबी एंड इट्स ऑल अबाउट बेसिकली हाउ टू मैनेज वर्किंग लाइफ विद फैमिली लाइफ हाउ टू मैनेज द प्रोफेशनल एंड द पर्सनल. ओके कल की तो इसी से मूवी से रिलेटेड आपने एक पोस्ट फेसबुक पर शेयर किया तो उसके बारे में बताइए. हाँ एक पोस्ट शेयर किया क्योंकि हम बहुत पेरेंटिंग के बारे में बहुत बात कर रहे थे और मदर डॉटर रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने सोचा एक ब्लॉग लिखूं लेकिन मैं खुद मेरे पास बच्चे नहीं है तो मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया एंड आई आस्क्ड हर हाउ वाज द एक्सपीरियंस टू गिव बर्थ टू मी तो उसके बारे में मैंने एक ब्लॉग लिखी. आई वॉज वेरी एक्साइटेड. पहली बार तो एक मदर के रोल कर रही हूँ. नॉर्मली तो आई डू अंडर एज रोल्स लाइक 18-19 ईयर रोल्स सो फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग समवन माई एज एंड आई थिंक एक बहुत ही सेंसिटिव रिलेटेबल रियल सब्जेक्ट है और या मैम जो मैम जो कंटेंट है इसमें एक हस्बैंड वाइफ का जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते एक दूसरे को टाइम ऐसा कुछ आपने रियल में एक्सपीरियंस किया है आपने कुछ. अरे मेरे पास तो बच्चे नहीं है बट ऑब्वियसली बहुत होता है आजकल. आई थिंक इन अ सिटी बॉम्बे काफ़ी महंगी शहर है और ऐसे शहर में टू बैलेंस वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ काफ़ी मुश्किल है एंड दैट्स वाई काफ़ी रिलेटेबल है बिकॉज़ आई थिंक एनी अर्बन कपल टुडे जिसने शादी की और उसके बाद बच्चे के बारे में सोच रहे हैं ये प्रॉब्लम फेस करेंगे. तो हाँ बहुत अच्छी थी. मेरी छोटी बच्ची की नाम है कियारा सोनी इन रियल लाइफ एक्ट्रेस नेम इज़ कियारा सोनी. अभी वो 4 साल की है एंड शी हैज़ डन अ ब्यूटिफुल जॉब इन द फिल्म एंड ऑफकोर्स वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. I have seen Frozen 100 times. Frozen dekhta, phir se dekhta Frozen. But we're still very much in touch. We're yehi Lokhanwala mein rehti hai. So we sometimes go swimming on Sundays with the family. She's really quite a special kid. Okay, so lastly, jab aapko trailer out hua to kisi Bollywood celebrity ne aapko compliment diya hoga? Kis ke bare mein? After the trailer. Oh. अभी तो मैं दिल्ली में थी शूट कर रही थी ज़ोया अख्तर के साथ और उसने मुझे बताया कि फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है ट्रेलर बहुत अच्छी लगी उनको. तो या आई डोंट नो आई हैवंट रियली हर्ड फ्रॉम ऑल बिग सेलिब्रिटीज. हाँ अभी एक फिल्म शूट कर रही हूँ मैं और कोंकणा सेन शर्मा एंड दैट फिल्म इज़ कॉल्ड स्कॉलरशिप और ये वेब सीरीज़ कर रही हूँ ज़ोया अख्तर के साथ विच इज़ कॉल्ड मेड इन हेवन विच इज़ ऑन बिग रिच इंडियन वेडिंग्स गोइंग रॉन्ग. थैंक यू. Thank you.
ट्रेलर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और हटा दो बैग बैग ले लीजिए नो प्रॉब्लम मैम ट्रेलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सुमित और कल्की अलग अलग प्लेस किया है हमने साथ में तो और सुमित की ये मतलब लीड में फिल्म शायद पहली है या फिर यू नो इन दिस जोन पहला होगा तो बहुत एक्साइटेड हूँ दोनों के लिए और क्योंकि कल्की का एक बेबी भी है और फिल्म में एक एंड शी इज़ वेरी गुड विद किड्स इट्स आई थिंक बहुत अच्छा एक सेटअप बहुत इसका इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत रियल लग रहा है तो देखते हैं और बहुत दोनों ही बहुत अच्छे एक्टर्स हैं एक्टर्स जो इम्प्रोवाइज़ करते हैं जो सीन्स बना सकते हैं साथ में काम मिलकर तो आई थिंक इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी हाउ टू पीपल जैम यू नो इन इन फिल्म्स हाँ हाँ मैंने इनफैक्ट जब लोग जब ये लोग शूट करना चालू किए थे तब ये लोग स्टोरीज़ जनरली कल्की से सुनती थी मैं बच्चों को कैसे हैंडल किया वो बहुत क्लोज हो गई थी जो बच्ची है उसके साथ और एक जो छोटी बेबी थी एक बड़ी बच्ची एक छोटी बेबी है तो उसकी कहानियाँ और जैसे जो जो थोड़ी बड़ी थी लड़की वो कल्की को ज़्यादा पसंद करती है सुमित से तो वो सब चीज़ें जो होता है जनरली मतलब पीछे की बातें तो हाँ अच्छा ही था एंड आई थिंक इट्स अ वेरी स्वीट स्मॉल फिल्म एंड अभी ना छोटी फिल्म में बेटर आई थिंक लोगों को भा रही है ज़्यादा बड़ी फिल्म में उतना काम नहीं कर रही है तो आई एम जस्ट होपिंग दिस फिल्म रियली वर्क्स फॉर बोथ ऑफ देम एंड द होल टीम एंड विश देम लक थैंक यू थैंक यू मैम सी यू बाय